हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और आज सुबह से ही काम में बजी हुई हूँ और आज कहीं पे निकलना है, इसीलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा काम है। तो इसीलिए हम और सासू अम्मा मिल करके लगे हुए हैं काम करने में। सुबह से अम्मा जो है सब्जियाँ ही काट रही हैं। एक बार करेला काटी हैं, अभी देखिए ये आलू काट रही हैं। आलू और कुंदरू की सूखी सब्जी बनाऊंगी जो कि बच्चों को पसंद आएगा और करेला हस्बैंड जी को पसंद आएगा। और ये देखिए कल मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहन लिया है, कैसा लग रहा है बताइएगा। ये देखिए तो बहुत ज़्यादा काम है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगी, फटाफट अपना काम ख़त्म करती हूँ। अभी मुझे बैग भी पैक करना है और एकदम अचानक से ये हम लोगों का प्लान बना है। वैसे हम लोग जाने वाले नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना जब भगवान का बुलावा होता है तो जाना तो पड़ता ही है, तो इसीलिए सारा काम जो है जल्दी जल्दी ही हो रहा है। दोस्तों खाना खाने के लिए खाना बना चुके हैं। ये देखिए दाल जो चावल है इसमें दाल है, और रात को कटहल की सब्जी बनाई थी ना तो वो भी रखी हुई है, और ये सब्जी बन रहा है और वो आलू बन रहा है। तो तीन मेर का सब्जी हो जाएगा, दो तो पैक हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा इसमें से भी निकाल देंगे खाने के लिए क्योंकि ज़्यादा है। और आज मैं सुबह से ही किचन में लगी हुई हूँ, चूड़ा भी मंगाई हुई हूँ। ये देखिए चूड़ा, यहाँ पे देखिए चूड़ा हस्बैंड जी लेकर आए हैं। इसको मुझे भूनना है, मूंगफली का दाना और चूना, सॉरी चूड़ा, इसको बहुत जगह पे पोहा भी बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ इसको चूड़ा बोलते हैं। और ये देखिए हस्बैंड जी ज़्यादा करेला ले आए थे तो इसको मैं धूप में रखती हुई हूँ। अभी हम निकल चुके हैं दोस्तों और बीच रास्ते में आ चुके हैं, मतलब घर से 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अयोध्या स्टेशन पर हम लोग जा रहे हैं। और पता है दोस्तों जब घर से निकलते हैं तो इतना सारा काम होता है कि हम क्या बताएं आप लोगों को, पूरा दिन मेरा काम में ही निकल गया और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो शिवा ने पूड़ियाँ फ्राई कर दिया था, और जिस दिन हम कहीं पर जाते हैं तो सच में बताती हूँ आप लोगों को कि इतना सारा काम रहता है कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो, जैसे फिर मतलब घर वापस आना ही नहीं होता है। ये सब सोचकर हम काम करते रहते हैं, ये सोचकर कि चलो जब घर आएंगे ना तो थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी, लेकिन सच बताएं तो फुर्सत कुछ भी नहीं मिलता है, उससे भी दुगना काम घर पे आने के बाद हो ही जाता है। तो ये देखिए हम लोग अयोध्या पहुँच चुके हैं, अयोध्या जंक्शन। तो कुछ इस तरीके से स्टेशन है, मैं यहाँ पे मतलब दूसरी बार इस स्टेशन पर आई हुई हूँ। एक बार मैं मुंबई जा रही थी तो यहाँ से मैंने गाड़ी पकड़ा था, और अभी मैं जा रही हूँ जहाँ पे तो यहाँ से गाड़ी पकड़ा था। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे दोस्तों, बहुत सारे बंदर मतलब आँख झपकते ही सारा सामान उठा ले जा रहे थे। बहुत सारे लोगों का तो इन लोगों ने थैलियाँ जो है छोड़ रखा था, मैं तो ऐसे कुछ ली नहीं थी। वैसे हस्बैंड जी अमरूद लेकर आए थे, फिर मैं इन लोगों को दे दिया था, लेकिन क्लिप जो है बना नहीं पाई। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं वैसे आधे घंटा की, एक घंटा से ज़्यादा हम लोग आगे आ गए थे। तो इतना ज़्यादा कांवरिया वालों का भीड़ था कि क्या बताएं। तो अभी हम लोग रात के 7:30 बजे ट्रेन हमारी चल चुकी थी। और ये देखिए ये सुबह का समय है, सिवांश की दीपांश ने वीडियो बनाया था, कोई नदी था उसी का वीडियो बनाया था। देखिए तो ये नदी जो है सुबह के 6 बज रहे हैं तभी ये व्यू है।
मुझे पता नहीं है कौन सा नदी है, नहीं तो मैं आप लोगों को बताती। वैसे दीपांश ने बनाया था, वो बोला था मम्मी आप जब सो रही थी तो मैं वीडियो बनाया था, तो मैं बोली कोई बात नहीं। और हरियाली देखकर एकदम से मन जो है खुश हो गया था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मन को बड़ा भाता है हरियाली, है ना, सभी को मन को भाता होगा हरियाली। ये हरे हरे खेत, ये हरे हरे पेड़ पौधे, जहाँ पे देखो तहाँ पे हरियाली ही हरियाली। मन को बहुत सुकून और शांति मिलता है हरियाली। तो अभी हम लोग एक जगह पर ये स्टॉपेज हो चुका है, करीब यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था स्टॉपेज हुए, तो यहाँ पे हम लोग चाय पिए थे सुबह के, अभी 9 बज रहे हैं। और ये देखिए कुछ वीडियो क्लिप बच्चे बनाए थे, मुझे याद नहीं है, मैंने इसमें जोड़ दिया था आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को अगर वीडियो हमारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस स्टेशन का नाम है बीना, ये देखिए ये बीना स्टेशन है। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 8:30 और हम लोग पहुँच चुके हैं बीना स्टेशन पर। और हम लोगों का सफ़र अभी काफ़ी लंबी है, अभी हम लोगों को शाम के 5 बजे तक ट्रेन में ही बैठना है, और हम लोगों का जो स्टॉपेज है वो 5 बजे के बाद ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, राज बैठे हैं, पास बैठे हैं जी, खड़े हुए हैं, हेलो कह रहे हैं, और वहाँ पे सिवांश खड़ा हुआ है। और यहाँ पे मेरे हाथों में लग रही है मेहंदी, क्योंकि मैंने मेहंदी नहीं लगाया था, सब लोगों ने मेहंदी लगाया हुआ था। तो राधा बोली कि चाची मैं मेहंदी लाई हुई हूँ, लाओ आपके हाथों पे लगा देती हूँ। तो मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही हैं राधा, और सब तैयारी था, मतलब एकदम से कोई काम रहता नहीं है ना, तो यही सब चीज़ें जो है सोचता रहता। और बड़ा अच्छा लगता है जब 2-4 लोग होते हैं ट्रेन में ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे हाथों में मेहंदी जो है लग चुकी है, अभी हम लोगों को काफ़ी लंबे समय ट्रेन में बैठना है, तो चलिए चलते हैं। और कहाँ पे जा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अभी हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं, और आवाज़ मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था स्टेशन पर, आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आवाज़ आती है। तो हम लोग आए हैं दोस्तों उज्जैन, महाकाल नगरी उज्जैन, शिव भगवान का दर्शन करने। और ये जो व्यू आप लोग देख रहे हैं ये स्टेशन का ही व्यू है, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और सामने शिव जी का शिवलिंग बना हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए महाकाल की नगरी हम लोग आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम मैं आई हुई हूँ दोस्तों। और मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, ना ही हस्बैंड जी का, लेकिन अनुज की मम्मी पापा आ रहे थे, उनकी मौसी थी, मतलब हमारी जेठानी जी की बहन थी, बहुत सारे लोग थे। तो ऐसे ही बस हो गया, प्लान बन गया, 2 दिन का टूर है दोस्तों, 2 से 3 दिन का, उसके बाद हम लोग घर के लिए वापस हो जाएंगे। और कहाँ होता है टाइम, सावन का महीना चल रहा है, अगर शिव जी का दर्शन हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। वैसे चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने मंजिल पर। नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय भोलेनाथ। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।